हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मिश्रा 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनिक की बात। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम जाते हैं जो 5 चैप्टर स्टार्टिंग के, उसमें विद्युत रसायन का ये वीडियो दे रहा है। विद्युत रसायन के अंतर्गत सबसे पहले हम ये जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो वॉइस बता दें, हम कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं जिनमें स्पेशल विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, ये केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली पड़ जाती है। विद्युत ऊर्जा क्या है, किसी ने देखी है क्या? नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों है, जो इलेक्ट्रॉन होता है जो परमाणु का मौलिक है, थॉमसन ने खोज की और स्टोनी ने इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर इलेक्ट्रॉन नाम दिया, इलेक्ट्रिक्स, इसलिए इलेक्ट्रॉन। किसने नाम दिया था? स्टोनी ने। तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जिस पार्ट के अंदर जिस यूनिट्स में पढ़ेंगे उस रसायन का नाम विद्युत रसायन है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनों से पदार्थ रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल है, NaOH है, और इन रसायनों से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा परिवर्तन। तो विद्युत रसायन में आवेश के आधार पे पदार्थों का वर्गीकरण समझ रहे हैं। देखो, पदार्थ की अवस्था है तो क्या रही, पड़ा ठोस, द्रव, गैस। अब जो पदार्थ होता है मैटर, ये बेसिकली आवेश के आधार पे तीन प्रकार है, कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, बेड कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। इसे आगे बांटे अपन तो जो सुचालक या जो चालक है कंडक्टर, दो प्रकार का है, इलेक्ट्रोलाइटिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक। अरे वासन में जो विद्युत अपघटनी चालक है, इसको रसायन में विद्युत अपघट कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी रसायन का पार्ट है, और यहां तक कि फिजिक्स में भी इसको पढ़ते हैं। तो ये दो प्रकार के होते विद्युत अपघट, प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट। विद्युत अपघटनी चालक का ही दूसरा नाम विद्युत अपघट है। धात्विक चालक पे चलते हैं, धातु, तीन प्रकार के तत्व हैं, धातु, अधातु, धातु, एल्यूमिनियम धातु, कॉपर धातु, कितनी धातुएं हैं। तो अर्धचालक के भी अलग अलग प्रकार है, एन टाइप के अर्धचालक, पी टाइप के अर्धचालक, एक और वर्गीकरण है आंतरिक अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जो सामान्यतः विद्युत प्रवाह नहीं करते, लेकिन उनको गर्म कर दो या अशुद्धि मिला दो। अर्धचालक कैसे बनाते हैं? गर्म करने से या अशुद्धि मिलाने से विद्युत का प्रवाह करने लगते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। तो इसकी चर्चा अलग वीडियो में करेंगे, अभी अपन चलते हैं मेटेलिक कंडक्टर या धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में क्या डिफरेंस है, दोनों एक ही है या कोई अंतर है, इसको जानते हैं। देखो क्या होता है, ये धातु का एक पतला तार है, बिल्कुल पतला, मतलब सिंपल वायर, अपने चालक धातु का एक तार ले सकते हैं कोई भी। तो इसको हमने मोटा करके दिखाया है, ये क्या है, ये है एक्चुअली अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो धात्विक चालक या मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन धारा ले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश ले जाते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक। विद्युत अपघटनी चालक क्या होता है, इसको हम लोग विद्युत अपघट कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन, नमक का विलयन, पिघला नमक, सिल्वर नाइट, कितने सारे विद्युत अपघट, केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर है, हम ही पढ़ेंगे फैराडे के नियम। तो विद्युत अपघटनी ये विलयन है, देखो ये बी कर लिया, इसमें दो छड़ें डाली, एक का नाम कैथोड, एक का नाम एनोड, दोनों छड़ों को एक तार से जोड़ दिया, इस प्रकार से तार से जोड़ सकते हैं, जोड़ दिया, एक बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी,
ये बन गया विद्युत अपघटन चालक। इनमें धारा आयनों से बहती है, इसमें धारा का ऐसे इलेक्ट्रॉनों से, इसमें धारा का ऐसे आयनों से। हम आपको बता देते हैं कि गाइस वीडियो के अंत में ये सभी डिफरेंस और अन्य बेसिक चीजें हम आपको याद करा देते हैं। पहला अंतर जो हमने समझाया आपको एक बार फिर पुनः समझ लें, माध्यम धात्विक चालकों में धारा कैसे बहती है, विद्युत अपघटनी चालकों में धारा कैसे बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से जैसा आप देख रहे हैं। यहां पे आयन ये कहां से आ गए, पिघली अवस्था में, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, जो ऋणायन है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। अब धनात्मक इलेक्ट्रोड का हम नाम नहीं बता रहे, हम कह दिए एनोड है। तो धनात्मक और ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोड का जो आवेश है, धन भी हो सकता है ऋण भी हो सकता है, ये सेल पे डिपेंड करता है रसायन में कौन सा सेल है। तो अभी फिलहाल ये विद्युत अवघटनी सेल है और ये छड़, ये छोटी लाइन ऋण से जुड़ी है, इसको कैथोड कहते हैं, और ये धन से जुड़ी इसको एनोड कहते हैं। तो एनोड कैथोड की बारी आ रही है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। फिलहाल बात दूसरी हो रही है, इसमें धारा इलेक्ट्रॉनों से बहेगी, इसमें धारा आयनों से बहेगी, आयन ले जाएंगे, ये जो है धनायन जा रहे पोटली है, अब इसकी टिशारी सर पर बांध के लीजिए रहा है, ऋणायन यहां से कैथोड से एनोड से कैथोड, विपरीत आवेश की ओर गति करेंगे, आवेश को साथ में ले जाएंगे। ये कोई भी जा रहा है तो अपन एक पोटली रख दो, भाई आप थोड़ा थोड़ा लेते जाओ तो पूरा सामान चला जाएगा, ऐसा आवेश बहता है। ताप चालकता घटती है ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकों की चालकता घट जाती है। भाई सामान्य तार है, ये बिजली जल रही है यहां पर, इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहे, ये गर्म हो जाए, कई बार देखो फॉल्ट हो जाती है लाइन, बहुत हीट हो जाती है, पंखा गर्म हो जाता है, धारा कम बहती है। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की धारा क्यों कम, प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये क्या होता है, कौन से भाई साहब प्रतिरोध कहां से आ गया, हम बताते हैं। देखो क्या होता है, धातुओं में धन, जैसे ये किसका तार है, एल्यूमिनियम का, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आए, एल्यूमिनियम से आए, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 3 त्याग दिए अंतिम कोष के, तो धातु के तार में इलेक्ट्रॉन हजारों भरे हैं समुद्र की तरह। जब यहां से इलेक्ट्रॉन धारा लेके जा रहे थे, 3-3 इलेक्ट्रॉन हर एल्यूमिनियम ने त्याग दिए, और जैसे ताप बढ़ाया, गर्मी बढ़ी, ऊष्मा बढ़ी, तो ताप बढ़ने से जो एल्यूमिनियम के आयन है यहां पे, ये कंपन करने लगे, एल्यूमिनियम धनायन या कर्नल बोलते हैं, ये कंपन करने लगे ताप बढ़ने पर। जब ये कंपन करने लगे तो इन पे धनावेश था, और इलेक्ट्रॉन जो ले जा रहे थे आवेश उन पे ऋणावेश था, तो इनके कंपन से इलेक्ट्रॉनों का वेग कम हो गया, जिसे हम प्रतिरोध कहेंगे। ऐसा में इलेक्ट्रॉन धारा ले जा रहे हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर धातु के धनायनों में कंपन होने लगता है, तो वो ले जा, जो आवेश ले जा रहे हैं एक पोटली, उनका उनका वेग कम होकर नहीं ले जा पा रहे, क्योंकि उन पे धन है, इलेक्ट्रॉनों पे ऋण है, तो बार बार वो खिंच रहे, आकर्षण हो रहा है, तो वेग कम हो जाएगा। यहां पे ताप बढ़ाने से चालकता बढ़ेगी, क्योंकि आयनों की गति बढ़ेगी। तीसरा अंतर, पदार्थ का स्थानांतरण, ये तो आप देख के बता सकते हैं। पदार्थ क्या होता है, ठोस द्रव गैस, जिसका वजन हो, द्रव्यमान हो, इसमें कोई पदार्थ का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन जा रहे यार, धनायन तो नहीं जा रहे ना, कहीं एल्यूमिनियम जाते तो पदार्थ का वजन स्थानांतरण हो जाता। यहां पदार्थ का स्थानांतरण हो रहा है, क्योंकि आयनों में गति हो रही है, कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड। रासायनिक परिवर्तन, ये क्या होता है, केमिकल चेंज, यहां नहीं होगा, जब हो गई नहीं तो यहां कैसे समझाएंगे, इधर समझा रहे हम आपको, यहां पे रिडॉक्स होता है, यही बात यहां पे समझा देते। देखो दो बात, ये काय का विलयन है, ये है पिघला नमक, तो हम
जानते हैं कि नमक तो धनायन ऋणायन में टूट ही जाता है पिघली अवस्था में पक्का। ये देखिए पिघलाया, अब धनायन कहां जाएगा? ये धनायन है, ये तो ऋणात्मक मतलब कैथोड की तरफ जाएगा, देखना। तो कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, जो उसने कभी त्यागा था इलेक्ट्रॉन वो मिल गया अपचयन। हम रिडॉक्स समझा रहे हैं आपको, ये अपचयन हो गया, कैथोड पे अपचयन होता है। क्लोराइड कहां गया भैया? उस पर तो ऋणावेश था यार, आप बताएं कहां जाएगा क्लोराइड? कमेंट्स करके बताइए आप, क्लोराइड किस तरफ जाएगा? विपरीत आवेश। क्लोराइड पे कौन सा आवेश है? ऋण। एनोड पे कौन सा है? धन। जी चला गया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया उसने, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण है, मतलब एक जगह अपचयन हो गया एक जगह, इसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आए समझ में? यहां कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं, यहां रासायनिक परिवर्तन होता है। धारा इसमें ज्यादा बहती है कि इसमें ज्यादा बहती है? अच्छा, आपके घर में जो फिटिंग होती है बिजली की, जब मकान बनवाते हैं अपना अंडरग्राउंड फिटिंग होती है, उसमें तार डलते हैं कि नमक का विलयन? उसमें तो हम लोग तार डलवाते हैं, क्यों? क्योंकि धात्विक चालकों की चालकता ज्यादा होती है और विलयन की चालकता कम। ये तो सेल में यूज होते हैं, प्रयोगशाला में, जहां जहां विद्युत अपघटनी से है, इन्वर्टर में, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा, ये ठोस अवस्था में विद्युत का प्रवाह करते हैं और ये पिघली अवस्था या विलयन अवस्था में। उदाहरण की बात करें तो ये तो बहुत सारे हैं, देख लीजिए, एल्यूमिनियम का तार, चांदी की पत्ती, ठीक है, लोहे की छड़, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। और यहाँ मैंने बता दिया, पिघला नमक ले सकते हैं आप, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हैं आप, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये अंतर समय आए, माध्यम, ताप, पदार्थ का स्थानांतरण, रासायनिक परिवर्तन, मात्रा, भौतिक उदाहरण, इसमें नहीं नहीं है और इसमें यस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे विद्युत रसायन के कुछ बेसिक टर्म समझा रहे हैं, मूल पद, जिससे हमें पूरी विद्युत रसायन बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये क्या है? देखो, रेडॉक्स दो शब्दों से बना, मैंने आपको काट के बता दिया, लियो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, वहां पे भी चर्चा हुई थी, अब विस्तार से समझ लेते अपन। रेड माने रिडक्शन, अपचयन, ऑक्स माने ऑक्सीकरण, इसको उपचयन भी कहते हैं, चाहे इसको ऑक्सीकरण कहते चाहे उपचयन कहते, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का निकलना। क्या है यार इलेक्ट्रॉन का जुड़ना निकलना? ये पूरी बात आपको यहां समझाते हैं हम। देखो, ये है कोई धातु और ये है अधातु। अब ये बेसिक चीजें तो हमने आपको दसवीं के वीडियो भी यहां किए हैं, 9-10 दोनों में। यहां सोडियम है और यहां फ्लोरीन है। होता है ऐसा है कि इसका 11 है परमाणु, 2-8-1 और 2-7, हम बेसिक में पहुंच गए रासायनिक बंधन में। एक इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, अब ये बात आप जानते हैं, काय के लिए दे रहा है? अष्टक पूरा करने के लिए। भाई दोनों ने अंडरस्टैंडिंग है अच्छी, आप भी बनाइए अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ, तो पूरी केमिस्ट्री आपको याद करा देंगे। 2-8-1, 2-7, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक इलेक्ट्रॉन कम। सोडियम ने कहा चलो भाई ले जाओ, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने कहा भाई साहब थैंक यू, 8 हो गए, 2-8, दोनों नियोन। यस, अब हुआ क्या, कहानी पूरी नहीं हुई अभी। यहां पर निकला इलेक्ट्रॉन, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है? ऑक्सीकरण। बात क्लियर है? और यहां इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, ये क्या हुआ? अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण। तो दोनों साथ साथ होते हैं। भाई देखो, जैसे आप कोई बॉल प्लेयर, बॉलर बॉलिंग करता है, क्रिकेट देखते होंगे आप लोग जरूर, जब बॉलिंग करता है एकदम, देखते हैं आप फास्ट बॉलर मीडियम, जब बॉलिंग करता है तो बैट्समैन बैट मारा उसने और सिक्स लगा,
ऊपर चली गई बॉल, तो भैया कैच तभी माना जाएगा जब पहली बार पकड़ लिए, एक टप्पा खा के पकड़ लिया कैच नहीं माना जाएगा। दोनों सांस जब उठेगा कैच तब तो पकड़ेगा ना, बिल्कुल सेम। यहां इलेक्ट्रॉन बॉल है, धातु क्या है, धातु क्या कर रहा है, धातु चक्का मार रहा है सिक्सर, और यह धातु क्या है, ये कैच पकड़ रहा है फील्डर है, कहां ये, तो ये जो है धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन जैसी बॉल खेल रही है, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अपचयन किसका हो रहा है, फ्लोरीन का, इलेक्ट्रॉन का जुड़ने से पकड़ा कैच, बॉल जुड़ गई, ये निकला, तो ये बात समझ में आई। दोनों साथ साथ होते हैं लेकिन पहले ऑक्सीकरण निकलेगा, पहले बैट्समैन मारेगा तब तो पकड़ेगा ना बॉलर, तो पहले ऑक्सीकरण बाद में अपचयन, रिडॉक्स है। विद्युत रसायन के दोस्तों दूसरे पद में चल रहे करंट, विद्युत धारा क्या है, धारा के बारे में हम आपको बता दें, सतत प्रवाह है। एक पानी लेके जग से आप गिराते हैं, पानी लगातार धारा बहती है, रुक रुक के पानी लगातार बहता है, तो धारा का सतत प्रवाह पानी का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा देखिए, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं, इसको आई से दर्शाते हैं, विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर। एक बॉक्स लिया है, एक तार का टुकड़ा है एक्चुअली, ये एक कूलाम आवेश ले जा रहे हैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा करके एक कूलाम, और यहां समय कितना है एक सेकेंड। तो यहां सूत्र देखते हैं हम, आवेश बटे समय, क्या है इसका फॉर्मूला, आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, समय का मात्रक तो सभी जानते हैं सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, इसको हम एम्पियर भी कह सकते हैं। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। हम दूसरे पद पर आ रहे, आवेश क्या है, चार्ज क्या है। देखो हम तो ऐसा कहते हैं यार, चार्ज को विद्युत की मात्रा। हमारे यहां बुंदेलखंड में होता क्या है एक्चुअली, हम स्टूडेंट्स बता दें कि यहां सरल भाषा में समझना जरूरी है, चाहे आप एनसीईआरटी हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बिहार बोर्ड हो, सरल भाषा क्या है, विद्युत की मात्रा से पानी की मात्रा, टंकी भरी सिंटेक्स के ऊपर छत पे पानी की मात्रा ऐसे विद्युत की मात्रा होती है। तो अब आवेश की परिभाषा दे दें, पदार्थों का वह गुण जिसके कारण समान पदार्थों में प्रतिकर्षण और विपरीत में आकर्षण लगे उसे हम आवेश कहते हैं। समान समान प्रतिकर्षण, जैसे चुंबक में एस एस में प्रतिकर्षण और एन एस में आकर्षण, दो ध्रुव होते चुंबक के एन और एस। इसका जो मात्रक है मैंने आपको बताया क्या होता है, कूलोम, ठीक है। और इसका जो सूत्र है आवेश का, धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणे समय, धारा और समय के गुणनफल को। अच्छा, दो प्रकार के आवेश होते हैं, ये धनावेश पहला प्रकार और दूसरा प्रकार ऋणावेश। धनावेश धातुओं पर आता है और ऋणावेश अधातु पर आता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, देने वाले पर धन, इसने इलेक्ट्रॉन दिया क्योंकि ऋण निकल गया, और ग्रहण करने वाले पर ऋण आ जाता है। तो दो प्रकार के आवेश होते हैं, यहां पे इसका एग्जांपल दे सकते हैं अपन। अब आते हैं विद्युत विभव। देखो एक बात बताओ यार, धारा बहती क्यों है, पहले हमें आप ये बताओ पानी क्यों बहता है, कहीं पानी भरा है, कीचड़ रहती पानी भरा रहता है, और बरसात में पानी आता और तेजी से बह जाता है, तालाब भरा है, यहां पर देख लीजिए आप ये तालाब भरा हुआ है, यहां इतना सारा तालाब भरा हुआ है, बड़ा से बड़ा सबसे बड़ा तालाब हुआ, यहां सागर का बड़ा तालाब है, ये भरा हुआ है, ये बहता नहीं है, लेकिन यहां से हम जानते हैं कि जो रास्ता है उसकी खोलने की, मौगा खोलने दी, तो यहां गड्ढा कर दें तो क्या हुआ, तालाब का पानी गिरने लगेगा यार, गहराई कर दी ना ऊंचाई, पानी कहां से कहां बहेगा, तालाब से गहरे गड्ढे की ओर, तो विद्युत कहां से कहां बहेगी,
जहां ज्यादा है विद्युत कम की ओर है। हमारी सिंटेक्स की टंकी का पानी आ रहा है यहां तक। तो विद्युत आवेश होता है दोस्तों, क्या होता है आवेश? अधिकता। किसकी अधिकता है? आवेश की। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, आवेश बटे धारिता बराबर विद्युत विभव। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, इसको भी से दर्शाते हैं। मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका कूलाम होता है, इसका फेरड होता है। विद्युत धारिता पे कैपेसिटी, धारण करने की क्षमता। एक गिलास पानी है, उसमें कम पानी बनेगा कि एक बाल्टी में ज्यादा पानी बनेगा? बाल्टी में जब कई गिलास पानी आएगा, 10 गिलास 20 गिलास, तो बिल्कुल, क्योंकि धारण करने की क्षमता बाल्टी की ज्यादा। विद्युत धारिता क्या है? विद्युत धारण करने की क्षमता, इसको सी से दर्शाते हैं। आवेश बटे विभव, किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को हम विद्युत धारिता कहते हैं। इसे इसका जो मात्रक है वो फेरड होता है। तो ये चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं विद्युत रसायन की। बारीकी से आप देखें पूरी बेसिक चीजें हैं, और एक एक करके ध्यान से पढ़ें, और जो प्रॉब्लम आती है कमेंट्स बॉक्स में आप देंगे, हम उसी का रिप्लाई करेंगे। अपने दोस्तों के साथ, सभी फ्रेंड्स के साथ, सभी जान पहचान वालों के साथ ये शेयर करें वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टेक्निकल ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और रसायन विज्ञान की बेस्ट केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 11th 12th कॉम्पिटिशन JEE नीट सभी के लिए आप इसे शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक डाउनलोड प्ले स्टोर पर जाइए आप राकेश मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस। थैंक यू।